नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ललित कला महोत्सव के दूसरे दिन आज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित कर 1972 व 1997 बैच के पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि पुरातन छात्र सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि पुराने छात्रों को यहाँ बुलाकर उनके अनुभव को छात्रों के सामने साझा किया जाए, जिससे नए छात्रों को मार्गदर्शन हो सके, क्योंकि यहाँ पढ़ाए छात्र अब बहुत अच्छे पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, उन पुरातन छात्रों का सम्मान हो सके। इस अवसर पर 1952 बैच के छात्र हरप्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर अलख राय, डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव, रविन्द्र पांडे, डॉक्टर धर्मवत तिवारी, डॉक्टर बीबी त्रिपाठी, बच्चूलाल, राजेश मोहन सरकार, गिरिजा शंकर तिवारी, गोपी कृष्ण श्रीवास्तव, अशोक कुमार श्रीवास्तव, अशोक महर्षि, उमेश चंद श्रीवास्तव, जयप्रकाश उपाध्याय, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, मन्नूलाल श्रीवास्तव, आशीष मिश्रा, आशुतोष श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, निखिल कुमार जायसवाल, अश्विन कुमार जायसवाल, कृष्ण मोहन सिंह, डॉक्टर विक्रांत सिन्हा, अमित कुमार ओझा, सत्यप्रकाश शुक्ला, राजेश मोहन सरकार, भरत बिहारी श्रीवास्तव, रोहिता श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम शंकर, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, वशिष्ठ नारायण, प्रोफेसर ब्रजेश जायसवाल, सर्वेश्वर पांडे, अमित श्रीवास्तव सहित सैकड़ों पुरातन छात्र उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, 1952 में इंटर किया था, इतने पुराने लोग मंच पे एक साथ 1952 में इंटर किए, इन लोग का आगमन हुआ है, हम लोग के लिए विद्यालय परिवार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रकाश मिश्रा जी, इसके बाद कुलगीत होना है, तो आप कुलगीत का विमोचन होना है। बच्चों तालियां बजाए, आपके विद्यालय का कुलगीत बना हुआ है, उसका विमोचन हो रहा है, उसको उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, आपके कुलगीत का प्रस्तुतिकरण भी होगा। प्रवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया, 113 वर्ष बाद आज हमारे विद्यालय का कुल गीत अब यह पंजीकृत कुल गीत होगा। और इसका एक बात बताऊं कि उस बैच में मैथ, साइंस और आर्ट्स मिला के कुल 67 स्टूडेंट थे। विद्यालय है एकल गायन प्रतियोगिता समाप्त हुई है, जो तीन वर्गों में थी, जूनियर, सीनियर और विश्वविद्यालय स्तर पे, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अब अगला कार्यक्रम हमारा पुरातन छात्र परिषद का शुरू हो रहा है, जो 1972 और 1997 बैच के 50 वर्ष और 25 वर्ष पुराने छात्र हैं, वो आज मंच पर आएंगे, उनका संस्मरण हम लोग सुनेंगे और उनके बीच में हम लोग तमाम कार्यक्रम करेंगे। मुझे लगता है कि यह एक शुरुआत है, लेकिन यह यात्रा बहुत आगे तक जाएगी और अगले वर्ष हम, मुझे विश्वास है कि हम हजारों की संख्या में अपने एलुमनाई को दिसंबर माह में 2 दिन का कार्यक्रम करेंगे और उसमें उन्हें बुलाएंगे।